सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल वंस अगेन। सो फ्रेंड, लगभग अयोध्या से आने के बाद जोधपुर से आने को मतलब, और उस ट्रिप के बाद मैं कहीं नहीं गया, घर में ही हूँ। तो सोच रहा हूँ कि एक छोटी सी ट्रिप बना लिया जाए। तो अभी मैं देख सकते हो मैं रेडी हो चुका हूँ निकलने के लिए, और अभी मैं जा रहा हूँ धनबाद। जी हाँ, बिल्कुल सुना है, मैं झारखंड, और वहाँ पर एक छोटी सी ट्रिप घूम फिर के और कुछ लोगों से मिलना है, वो मिल के आ जाऊँगा। और अगर टाइम मिला तो वहीं पर 10-50 किलोमीटर के आसपास पारसनाथ है, वहाँ भी ट्रिप मार लूँगा अगर पॉसिबल हुआ तो। ये मैं श्योर नहीं बोल सकता। तो चलिए फटाफट निकलते हैं, लेट हो रहा है, स्टेशन जाना है, ट्रेन से जा रहा हूँ, ये बाइक से नहीं जा रहा हूँ। फटाफट निकलते हैं और फिर से मिलता हूँ। सो फाइनली मैं स्टेशन आ चुका हूँ, और ये देखो वंदे भारत यहाँ स्टार्ट हो रही है। गया में आज 3-3 वंदे भारत की स्टार्टिंग होने वाली है। एक तो ये हो गई ऑरेंज वाली, और बाकी दो को पता नहीं, आज ही होने वाली है, जो कि एक हावड़ा जाएगी, एक देवघर और एक शायद टाटा। तो ये मेरी ट्रेन पीछे खड़ी है, यहाँ से निकलूँगा धनबाद और फिर चलिए घूमते हैं फिरते हैं। और ये है मेरी ट्रेन जनशताब्दी एक्सप्रेस, जो कि धनबाद तक मुझे ले जाएगी, और इसकी टाइमिंग हो चुकी है लगभग 8:02 हो रहे हैं, 10 मिनट में खुल जाएगी है। तो चलो ट्रेन के अंदर चलते हैं और फिर एंजॉय करते हैं इस राइड को, इस ट्रिप को। ये देखो इनॉग्रेशन के लिए पूरी तैयारियां चल रही हैं यहाँ पे, और पूरी तरह से इसको सजा दिया गया है यहाँ पे। और तैयारी चल रही है वंदे भारत की। एक वंदे भारत यहाँ पर है और एक वंदे भारत यहाँ पे है। सो दो वंदे भारत यहाँ पे दिख रही है। यहाँ से मैं निकल चुका हूँ, और अब रास्ते में आप ट्रिप को एंजॉय करते रहो। ये देखो ये मेरी ट्रेन है, और ये तो ट्रेन से निकल स्टेशन से निकलने के बाद कुछ दूर आ चुकी है। वेदर काफ़ी प्रिटी हो रखा है, मैं बैकग्राउंड में दिखाता हूँ आपको। ये देखो बैक कैमरा ऑन करता हूँ, ये देखो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। तो अभी मैं पहुंच गया हूँ पारसनाथ, आप देख सकते हो पीछे ये, और यहाँ से बस ट्रेन खुलेगी, मैं चलता हूँ ट्रेन के अंदर और यहीं पे एक दिन घूमने आऊँगा मैं। यहाँ पर माउंटेन है, बड़ा वाला माउंटेन, वहाँ पे आऊँगा। तो चलिए अंदर चलते हैं, ट्रेन खुल जाएगी तुरंत यहाँ पे, 2 मिनट का स्टॉपेज है यहाँ पे। यही ट्रेन है मेरी जनशताब्दी एक्सप्रेस। सो फाइनली मैं अपने डेस्टिनेशन पर आ गया हूँ, और चलिए अब थोड़ा सा वीडियो को मैं बाद में शूट करता हूँ, पहले चलते हैं उसके बाद। ये देखो वेदर पूरी तरह से ख़राब हो रखा है इधर। तो अभी मैं हूँ ये NH2 दिल्ली कोलकाता हाईवे के आसपास, और आप देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत माहौल हो रखा है यहाँ का। बैकग्राउंड पूरा पीछे देख सकते हो, एक बार बैक कैमरा ऑन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। अभी तो मैं धनबाद में एक्चुअली गोपो में 2-3 दिन हूँ यहाँ पे, तो आसपास कुछ एक्सप्लोर कर पाऊँगा तो ठीक है, अदरवाइज मैं बैकग्राउंड दिखाता हूँ। काफ़ी खूबसूरत मौसम हो रखा है, ये देखो यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत वेदर हो रखा है ये आसपास। और ये अपना NH2 है दिल्ली कोलकाता।
ये देखो तो चाची का वो है, एक डैम टाइप से है, लेक है यहाँ पे, काफ़ी बड़ा डैम है यहाँ पे। ये देखो यहाँ से लेके और यहाँ तक है। बारिश तो अच्छी खासी हो रही है। मैं चलता हूँ थोड़ा सा आगे, इस साइड में दिखाता हूँ आपको चल के। यहाँ पे, यहाँ पे देखते हैं क्या है। और ये देखो, देखो पीछे ये तो चाची का डैम है यहाँ पे, ये यहाँ पे दिख रहे हो, काफ़ी खूबसूरत है। इधर देखो, इधर पूरा खाई है, ये यहाँ से डैम पर पानी निकलता है और ये पूरा डैम है। सेलफोन गीला ना हो जाए, मैं चलता हूँ यहाँ से निकल के। ये देखो वेदर काफी खराब हो रखा है यहाँ पे।